ठीक है, वेलकम बैक, स्वागत आप सबका फैशन होगा। सुबह 1 बजे सुबह के 6:15 गए, मैं उठा था करीब 5:45 बजे के, सॉरी 6:45 बजे के आसपास, और फिर मैं उसको भी वॉक करवा दिया और मैं अभी एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो बस अभी जाते हैं जिम और आज के डे को कंटिन्यू करते हैं। कैसे मैं फाइनली पहुंच गया और जिम गए, और आज जो वेदर है एकदम नेक्स्ट लेवल, पूरा ठंडा मौसम हो गया है। जैसे आपने पिछले लॉन्ग में देखा था पूरी बारिश हुई थी, मतलब ऐसी बारिश, मतलब नेक्स्ट लेवल थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड पूरी बारिश थी। और तो मौसम तो भाई एकदम मस्त ठंडा का, जैसे ही मौसम रहे पूरे अप्रैल, मतलब अप्रैल तो हो गया मई में गई, पता नहीं गई कोलकाता में गर्मी तो भाई इतनी पड़ी कि कितना भी बोलो। और तो बस अभी जाते हैं फटाफट जिम और अपना वर्कआउट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, तो फाइनली अपना वर्कआउट एकदम डन है, गाइस अभी बज रहे हैं 7:45। तो बस गाइस अभी घर जाते हैं, और गाइस सुबह आया था तो इतना मस्त ठंडा मौसम था, और गाइस अभी देखिए पूरी धूप निकल चुकी है गाइस। तो बस अभी फटाफट घर जाते हैं और मैं आपको मिलता हूँ गाइस सीधा घर जाके। गाइस 11:30 बज रहा है, मैं जिम से आ गया था, मस्त फिर सत्तू पी लिया था गाइस। जैसे मैं जिम से आता हूँ पी लेता हूँ, और फिर क्या मतलब भूख तो लगी नहीं, सत्तू इतना हैवी होता है ना गाइस, मतलब भूख तो लगती नहीं। और अभी लेट इतना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ पोहा गाइस, और मस्त अभी इन्जॉय करता तारक मेहता को भी। तो पैर केक, और जैसे कि आपको पता है कि गाइस आज लव कुछ 7 मंथ्स के हो गए, और भैया गए थे ऑफिस, और ऑफिस जाने के पहले मतलब वो गए थे टॉयज की शॉप पे बड़ा बाजार में जो है, और वहाँ से गए लेके आए लव कुछ के लिए वॉकर जो होता है, मतलब जो चलना सिखाता है, मतलब वॉकर ही बोलते हैं उसको प्रॉपर, अभी क्या बोलते हैं वो तो गाइस पता नहीं, वॉकर ही हम लोग तो बोलते हैं। और वो लेके आया, तो बस अभी इसको अनबॉक्स करता दोनों के लिए एक, और आपको दिखाते हैं गाइस कैसा है। तो गाइस दो वॉकर है, एक तो लव लव का है और एक स्टील बर्ग का है। स्टील बर्ग का तो गाइस मैंने सुना था हेलमेट आता है, वॉकर भी आता है। असेंबल बाद में करेगा ना। हाँ गाइस ये कलर है, दो मिनट बाद असेंबल करके दिखाऊंगा। रेड एंड येलो, हाँ ये रेड एंड लव लव, ऑरेंज ही ये शायद बेबी पिंक होगा। नहीं बेबी नहीं, मैंने बोला ग्रीन लाइन। हाँ तो सी ग्रीन, यूनिक है नहीं। हाँ तो बस इसको पूरा असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। गैस जो ये वाला है इसको पूरा मस्त असेंबल कर दिया गया, कितना मस्त लग रहा है। इसमें जो है गैस सेल डालना है वो इसमें डाल दूंगा, और फिर इसको गैस पूरा जो है नीचे से टाइट कर दूंगा, तो फिर ये निकलेगा नहीं। और गैस जो लवलव वाला था उसको रिटर्न कर दिया, उसके बदले में गैस ये स्टील बर्ड में दूसरा कलर आ जाएगा, और मस्त कुछ को गैस कुछ अलग दोनों को रात को ही बैठाएंगे अभी साथ में ही, तो आपको दिखाएंगे। सो गाइस 6 बजे शाम के पूरे 6 गाइस, और ब्लॉग से अभी कंटिन्यू कर रहा हूं गाइस। अभी प्लान ये है कि जो गाइस अपना जो ड्रोन है जो हम लोग गाइस उड़ाते हैं, इसको इसके जो मैक्सिमम जो हाइट एल्टीट्यूड है वो दूर तो गाइस चला जाता है 2000-3000 मतलब मीटर, करीब 3-4 किलोमीटर तो गाइस आराम उसके भी ऊपर जा सकता है, मतलब ऐसे डिस्टेंस में। और हाइट में जो है गाइस जो सेफ्टी में अभी आपको पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ कि 15 मीटर से दिखाता है अभी को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, अपन भी ट्राई करता है अगर बढ़ा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। 15 मीटर में इतना मज़ा आता नहीं है, पूरा 300-400 मीटर ऊपर जाए तो मज़ा भी आए पूरा व्यू में। तो मुझे फटाफट चेक करते हैं गाइस। अपना जो ड्रोन है वो कनेक्ट हो चुका है पूरा गाइस, देखिए मेरा हाथ आ रहा है पूरा कनेक्ट हो गया। और गाइस जब मैं इसमें यहाँ टैप करता हूँ तो यहाँ पे मैक्स एल्टीट्यूड जो है गाइस इसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते देखिए, और जो डिस्टेंस है गाइस इसको हम लोग कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं देखिए गाइस 5000 मीटर्स, और नो लिमिट के आगे भी जा सकते हैं। तो ये अपना सेट है, इतना अभी 3 किलोमीटर कौन दूर लेके जाते हैं, ऐसे ही सेट कर देते हैं इसको। और अगर इसके लिए एक थर्ड पार्टी ऐप है गाइस वो भी डाउनलोड कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर हुआ तो मज़ा आ जाएगा गाइस। इसलिए देखिए इसके लिए एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया है गाइस मैंने, ये रेनबो करके। तो बस अभी इस पर फटाफट जाते हैं और गाइस रेडी टू गो पे एक बार टैप करता हूँ। ओके 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 रुक जाओ, रेडी टू गो पे टैप किया, यहाँ पे किया स्किप लॉगिन करना है, यहाँ पे दबाया गाइस 500 मीटर लिखते हैं गाइस 500 मीटर, अग्री 500 मीटर हो गया गाइस मैक्स फ्लाइट एल्टीट्यूड। बस अभी चेक करते हैं गाइस इसमें आता है या नहीं, इसमें गाइस चेक करते हैं मस्त। गाइस देखिए मैक्स एल्टीट्यूड 500 हो गया, अभी इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते गाइस। अभी ऐसा करता हूँ कि पूरा वो आपको डिलीट कर देता हूँ क्या थर्ड पार्टी आप उसको भी डिलीट करके देखते हैं कि गाइस अगर ये रहता है या नहीं, वरना इसके लिए कुछ मतलब नहीं है गाइस। अगर ड्रोन ऊपर गया, सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया गाइस और क्रैश हो गया तो ख़त्म हो जाएगा गाइस। इसको मैंने एक बार वापस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया, तो गाइस यहाँ पे अभी सेफ्टी में गाइस 15 मीटर ही दिखा रहा है, क्या पता गाइस एक बार उड़ा के चेक करेंगे, क्या पता तब थोड़ा और 25-30 मीटर ऊपर जाए तो गाइस मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर लेके जाना नहीं, बिल्कुल रिस्क लेना नहीं, क्या
एक ही ड्रोन है इसीलिए गाइस। तो बस ये 15 मिनट वापस दिखा रहा है वो ऐप को गाइस, वापस खोलता हूँ मैं अभी। तो एक बार चेक करना पड़ेगा गाइस, अगर नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाऊँगा मैं उड़ाने तो ये ऐप भी रखूँगा, एक बार उड़ा के देखेंगे क्या जा रहा है, लेना नहीं है। 20-25 मिनट लेके जाएंगे ऊपर तो ट्राई करेंगे। तो बस गाइस बज रहे हैं शाम के 6:15, देखते हैं भैया शाम को आएंगे तो वो वॉकर लेके आएंगे, उसको भी अनबॉक्स करेंगे और आपको पूरा दिखाऊंगा दोनों को बैठा के कैसे लग रहे हैं दोनों एकदम मस्त। गाइस अपनी जो एडिटिंग है पूरी डन है गाइस, और ये बज रहा है रात के 9:15 और भैया भी ऑफिस से आ चुके हैं, भैया ने एक और वॉकर ला दिया गाइस ऐसा ही है अभी, इसको वो उसको भी अनबॉक्स करेंगे और बैटरी भी ला दिया, तो इसको पूरा सेटअप करके आपको गाइस पूरा दिखाएंगे दोनों लव कुश को बैठा के। ऐसे तो दिन में बैठा था, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब रात को दोनों को साथ में बैठाएंगे और फिर व्लॉग शूट करेंगे। हाँ भैया तो गाइस देखिए जो दूसरा वाला वो भी सेटअप कर दिया गाइस, ये वाला नया है और वाला जो आज भी शाम को भैया लेके आया, ये रहा इसका बॉक्स और देखिए दोनों बस बैठे हैं। ओए लव आई लव न्यू टॉय, ये गाइस देखिए ये रहा खुश खुश हो। तो गाइस लव कुछ के लिए वॉकर तो लाया है और साथ में टॉयज भी बहुत सारे ऑनलाइन लाए थे, उसमें एक ये मैट भी थी, देखिए आराम से बैठेंगे गिरेंगे तो उसमें कुछ लगेगा नहीं।